ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय KNews साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मोदी लहर रोकने के लिए हरकत में आई कांग्रेस, बनाया प्लान, चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनेगी कमेटी। मुकेश गुप्ता बने सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मनोज महासचिव तो रमेश बंसल बने उपाध्यक्ष। सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए कार्य करने की कही बात। सुंदरनगर में मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 वर्षीय कमला देवी ने जीती कैरम बोर्ड व चेयर गेम प्रतियोगिता। और ITI मंडी में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में दी गई जानकारी। बुधवार को पूर्णमासी के मौके पर ब्यास नदी के घाट पर ब्यास आरती का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शाम को सत्यनारायण कथा का आयोजन भी होगा। ये जानकारी एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत्सुंदरम ने दी। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत्सुंदरम ने बताया कि हर मास की तरह पूर्णमासी के मौके पर एकादश रुद्र मंदिर में व्यास आरती और सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में नदियों का विशेष महत्व है और जल के महत्व के कारण यह जीवन दायिनी कहलाती है और ब्यास आरती के द्वारा नदियों को साफ और स्वच्छ बनाने में हम सबको अपना योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार पूर्णमासी के मौके पर 108 दीपक जलाकर विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर मास की भांति इस मास भी पूर्णमासी के दिन जो है ब्यास जी की आरती और कथा श्री सत्यनारायण का आयोजन एकादश रुद्र मंदिर में किया जा रहा है। ब्यास नदी का अपना एक मंडी शहर के लिए एक विशेष महत्व है। मंडी से होकर के ये नदी आगे कहीं कहाँ जाती है। नदियों का विशेष महत्व अपना है, जीवनदायिनी नदियाँ हैं। जल का वैसे भी जीवन में बहुत बहुत महत्व रहता है। वैसे भी हमारा जो शरीर बना हुआ है पंचभूतों से बना हुआ है, उसमें जो एक जो है वो जल आता है। जल का बहुत महत्व है। जल ही के लिए जो है सारा ये प्रपंच जो खेल जो प्रकृति का जो रचा हुआ है इसी के लिए है। तो जल की महिमा महत्व को समझते हुए और नदियों की जो है स्वच्छता के ऊपर हम ध्यान देते हुए यह कार्यक्रम रखा जाता है कि ब्यास जी की आरती करें और उसमें हम लोग ये समझें कि नदी को जो है हमने साफ ढंग से रखना है, स्वच्छ बना के रखना है, इसकी जो महिमा है वो बना के रखनी है। ये कार्य सब लोगों के सहयोग से चलता है, सार्वजनिक कार्य है। तो इसके लिए सब लोगों से यही हमारी अपेक्षा है कि सब लोग इसमें अपना सहयोग दें, स्वच्छता रखने के लिए भी और इस आरती में सम्मिलित होकर के भी। इस बार विशेष आरती मंगवाई गई है जिसमें 108 दीपक जलेंगे। उस आरती से जो है ब्यास जी की आरती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को लेकर सोलन के कसौली गुरुद्वारा साहिब में 2 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में विशाल नगर कीर्तन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया तथा 5 प्यारों की अगुवाई में कसौली के गुरुद्वारा साहिब से आरंभ हुआ। नगर कीर्तन में गतका पार्टी ने अपने जौहर के जरिए लोगों को जहाँ अपनी ओर आकर्षित किया, वहीं ढाड़ी जत्थों, कीर्तन जत्थों व स्थानीय रागियों ने शब्द कीर्तन गायन कर नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर संगत द्वारा विभिन्न स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। नगर कीर्तन कसौली, गढ़खल, सनावर, धर्मपुर, डगशाई, कुमारहट्टी, बड़ोग, दिहुघाट से होता हुआ शाम को गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में पहुँचा। रास्ते में जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। Yeah.
सपरून गुरुद्वारा साहिब में शाम के दीवान सजाए गए, जिसमें सपरून गुरुद्वारा साहिब का रागी जत्था भाई अमरजीत सिंह ने कीर्तन गायन कर गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और उनके दिए गए उपदेशों से संगत को निहाल किया। कसौली गुरुद्वारा के प्रधान विक्रमजीत सिंह ने बताया कि सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह ने हमें ऊंच नीच जात पात की भावना से ऊपर उठकर मिलजुल कर रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने जिस तरह अपने परिवार व बच्चों को देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था, उसी तरह हमें भी देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाश पुरब है, इनू मनाते हुए इनू मुख रखते हुए अज कसौली तो लैके सोलन सपरून तक का अही नगर कीर्तन कढ़िया है, जिदे विच संगत ने बड़े उत्साह दे नाल खुल मतलब हर तरीके ना तन मन धन दे नाल सेवा करके इस नगर कीर्तन का आयोजन सफल किया जी। साडा जिहड़ा मुख उद्देश है भी सारे असी आपस हिंदू मुस्लिम सिख जिहड़े भी हैं असी सारे आपस मिल जुड़ के रहिए। साडे इस प्रोग्राम दे विच सब ने हिंदू मुस्लिम कोई भी है बगैर किसी ने अपनी जात का पक्षपात किए इन्हें इहदे विच हिस्सा लिया है। एक पिता एकस के अंबारक इस उपदेश नूं असीं लैके चलदे हां। जिन्नी भी कायनात है सारी एक है और साडे गुरु साहिबान ने भी ये सानूं उपदेश दिता है भी सारे आपस एकजुट मिल के रहो और इसी नूं असीं मुख रखते हुए ये आयोजन कीता है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने गुरुद्वारे का प्रसाद ग्रहण किया। नगर कीर्तन में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर सोलन में आमजन को रेडक्रॉस समिति के जन कल्याण कार्यों के संबंध में जानकारी देने एवं अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से मिनी मैराथन एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आईटीआई सोलन, सर्व शिक्षा अभियान, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों तथा रेडक्रॉस समिति सोलन की ओर से विभिन्न वस्तुओं एवं खानपान के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर में उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने सबसे पहले रक्तदान करके उपस्थित रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेडक्रॉस संस्था गरीब एवं असहाय लोगों के लिए कार्य करती है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस में सहयोग देने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि पीड़ित मानवता की सहायता के लिए अस्तित्व में आई रेडक्रॉस संस्था अपनी स्थापना के समय से ही विश्व के कोने कोने में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में रेडक्रॉस संस्था गांव-गांव तक समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी सोलन के द्वारा कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज सुबह हमने मिनी मैराथन का आयोजन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप है और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का मौका मिले। और बेसिक पर्पस रेडक्रॉस डे में इन गतिविधियों को करने का ये है कि लोग रेडक्रॉस के बारे में परिचित हों और रेडक्रॉस के साथ जुड़ें और मेंबर्स बनें और डोनेट करें ताकि ये जो पैसा हम इस तरह से इकट्ठा करें वो ज़रूरतमंद लोगों को, बीमार लोगों को इलाज के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए खर्च किया जा सके। अंत में उपायुक्त द्वारा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आईटीआई मंडी में मोटर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। इस कैंपस में लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। पिछले कुछ वर्षों से समय समय पर आईटीआई पास युवाओं के लिए आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा युवाओं को रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आईटीआई मंडी में मोटर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस इंटरव्यू में लगभग 350 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस इंटरव्यू में युवाओं का रिटन एग्जाम लिया गया और चयनित युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। आज लगभग 350 युवा जो हैं अब तक वहाँ इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। कंपनी की पहले चरण में जो है सबका रिटर्न टेस्ट जो है वो ले रही है और रिटर्न टेस्ट जो क्लियर करेंगे
उन लोगों का बाद में जो है साक्षात्कार करेगी कंपनी, और कुछ लोगों को 25 लोगों को जो है जो आज चयनित हो गए, एक बहुत बढ़िया मौका उनके लिए है, उनको जो है परसों यानी 10 तारीख को ही कंपनी के हरिद्वार के प्लांट में ज्वाइन करना है। आज सिलेक्ट होंगे और यहीं उनको उनके चयन का प्रमाण पत्र देके जो है 10 मई को सुबह 10 बजे वहां ज्वाइन करेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। बाकी 100 के लगभग और इन्होंने सिलेक्ट करने हैं, तो 350 जो है अभी तक पहुंच चुके हैं। वहीं युवाओं में भी कैंपस इंटरव्यू के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं को इस प्रकार के कैंपस इंटरव्यू के द्वारा रोजगार का विकल्प उपलब्ध हो पाता है, ताकि वे अपने परिवार का सहारा बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वहीं आईटीआई मंडी में भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ 7 बठिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है और अनमोल जिंदगियों को कैसे मौत के मुंह से निकालकर बचाया जाता है, सोमवार को आईटीआई मंडी में भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ 7 बठिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के जवानों ने अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में जागरूक किया। एनडीआरएफ 7 बठिंडा के इंस्पेक्टर राम कुमार मालवीय ने बताया कि मंडी जिला में इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और अब तक 5 मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में कुदरती आपदा में एनडीआरएफ कैसे रिस्पॉन्स करती है और युवाओं को यह भी बताया जा रहा है कि आपदा में वे कैसे अपनी और दूसरों की जिंदगी को बचा सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम लोग 7th NDRF बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं और मेरे साथ 2 सब इंस्पेक्टर कंबल किशोर और मंटू कुमार सिंह है और हमारे साथ 33 जवान्स हैं, जो कि हम लोग पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं और अभी तक हमारे 5 प्रोग्राम हो चुके हैं, जो कि कुदरती आपदा डिजास्टर के बारे में हम लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम इस कुदरती आपदा में किस तरह से रिस्पॉन्स करती है और इस प्रोग्राम को दिखाते हुए हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि उन्हें डिजास्टर के दौरान किस तरह से अपने आप को भी बचाना है, उसमें भी हमने ये प्रोग्राम में इंक्लूड किया है और हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या अदर ऑर्गेनाइजेशन भी से आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, एनसीसी से, जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि अदरवाइज कभी भी डिजास्टर आता है तो उसमें उस बच्चों ने किस तरह से अपने आप को बचाना है। और इसमें हमने एक एग्जांपल भी बताया कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक की स्थिति में एनडीआरएफ की टीम ने किस तरह से काम किया था, उसका भी हमने छोटा सा प्रदर्शन इस जंक्शन में दिखाया। राम कुमार मालवीय ने बताया कि मंडी जिला के जोगिंदर नगर और धर्मपुर में भी इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
हिमाचल में उपभोक्ताओं को इस महीने डिपुओं में चीनी का कोटा नहीं मिलेगा। यहां सब्सिडी पर मिलने वाले कार्ड धारकों को चीनी से वंचित रहना पड़ेगा। केंद्र के चीनी पर रोक लगाने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने पुनः उसकी मंजूरी भेज दी है। अब इसमें कितना समय लगेगा यह बात की बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिलेगी। अब लोगों को बाजार की कीमत पर ही चीनी खरीदनी पड़ेगी। हालांकि विभाग के अधिकारियों की माने तो केंद्र पहले की तरह चीनी पर सब्सिडी दे, इसके लिए उस स्तर पर वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर जल्दी कोई फैसला आए और धारकों को कोई परेशानी न हो। डिपो में APL को 19.5 रुपए जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी। इस माह राशन कार्ड धारकों को गेहूं की जगह आटा मुहैया करवाया जा रहा है। BPL को 6.25 रुपए प्रति किलोग्राम, APL को 8.60 रुपए तथा अंत्योदय को 2.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर आटा मिलेगा। अंत्योदय को कुल 20 किलो आटा मिलेगा। जिला में लगभग 4,28,000 राशन कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों में APL, BPL व अंत्योदय शामिल है। APL के 2,56,000, BPL के 76,000 तथा अंत्योदय के 1,76,000 कार्ड धारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोमवार को मंडी में सदर पेंशनर संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार को मंडी में सदर पेंशनर संघ की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा ने संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 17 दिसंबर 2016 को पीटर हॉफ में संघ की मांगों के मद्देनजर 5-10-15% की घोषणा की गई थी। उस घोषणा को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों में खासा रोष है। हरीश शर्मा ने कहा कि सरकार इस घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाए, अन्यथा पेंशनरों को संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैंने अपने जिला मंडी के समस्त राजनीतिज्ञों को अवगत करा दिया है अपने टेलीफोनिकली कि अगर जो 17 दिसंबर 2016 को जो पीटर हॉफ्स में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5-10-15% की घोषणा की थी मूल पेंशन में मिलाने की, उसकी कोई भी अधिसूचना आज तक जारी सरकार ने नहीं की है, जिसकी आज सरकार के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट है। अगर एक हफ्ते के अंदर हिमाचल सरकार ने हमारी अधिसूचना जारी नहीं की तो हम सरकार के विरोध में हर कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये मंडी जिला का फैसला है, ये मैं सरकार को अवगत करा देना चाहता हूँ। वहीं सदर पेंशनर संघ के प्रधान रेवती राम शर्मा ने कहा कि मीटिंग में नवगठित सदर इकाई का गठन किया गया और इस संबंध में सदस्यों को अधिसूचित किया गया और संघ की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज हमारी सदर खंड की जो नई कार्यकारिणी बनी है, जिसका चुनाव पिछले महीने की 3 तारीख को हुआ था, उसका गठन किया गया और उसकी अधिसूचना जो है सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चरल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी लहर रोकने के लिए हरकत में आई कांग्रेस, बनाया प्लान, चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनेगी कमेटी। मुकेश गुप्ता बने सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मनोज महासचिव तो रमेश बंसल बने उपाध्यक्ष। सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए कार्य करने की कही बात। सुंदरनगर में मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 वर्षीय कमला देवी ने जीती कैरम बोर्ड व चेयर गेम प्रतियोगिता। और ITI मंडी में मॉकड्रिल का हुआ आयोजन, प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में दी गई जानकारी।